आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका आज कक्षा बारहवीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है, ओके। लगातार मैं आपको गैस लिए तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण दो अंक के, तीन अंक के, चार अंक के प्रश्न बता दिए थे। आइए दोस्तों हमने तैयार कर लिए होंगे, ओके। वस्तु प्रश्न रह गए थे, तो इस वीडियो में हम सिलेक्टेड वस्तु प्रश्न देखेंगे, वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा, ओके। और साथ ही इस वीडियो में आपको एक बार दोबारा रिवीजन करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर से सिलेक्टेड है, ओके। तो कंप्लीट आपको वीडियो देखना, जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार कर लेना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। पहला दोस्तों सही विकल्प देख लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन है लुकास अभिकर्मक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ओके। आपका जिंक क्लोराइड प्लस HCl, ओके। मेरी क्या है थोड़ा सर्दी, इसलिए आवाज दबी हुई है, लेकिन आप क्या है समझने की कोशिश करिएगा, ओके। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है आपका Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, ओके। आगे देख लेते, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया 180 जल में विलय होने पर यूरिया का मोल प्रभाज है, इसका राइट आंसर सी नंबर का, ओके। चलिए आगे देख लेते, आगे नेक्स्ट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इच्छु सकरा का ग्लूकोज में फ्रुक्टोज में परिवर्तन की अभिक्रिया का प्रतिलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये अभिक्रिया दी है, उपरोक्त में अपचयन है, आपको कौन सा अपचयन है ये आपको बताना है, ओके। इसका राइट आंसर हो जाए आपका रोजर मुंड, इसमें क्या है अपचयन हुआ है, ओके। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट है दोस्तों आपका यौगिक में, निम्न यौगिक में CX में संकरण है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है आपका SP2 संकरण, ओके। आगे देख लीजिए, आगे है अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो क्वथनांक, उन्नयन, हिमनांक, परासरणदाह, ये सब आपके क्या है अणु संख्या गुणधर्म है, लेकिन आपका बाष्पदाह अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का इकाई है, इसका राइट आंसर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। चलिए आगे देख लीजिए, अब हम देख लेते हैं रिक्तस्थानों की पूर्ति, ओके। रिक्तस्थानों की पूर्ति है, पहला हमारा गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणीय कार्य गिब्स ऊर्जा का मान में क्या कमी के बराबर है, ओके। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है तत्व वाई, इस प्रकार से उसका चिन्ह रहता है, ओके, जिस तत्व का, तो इसमें क्या है ये कौन से संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर आपका डी संक्रमण श्रेणी का, ओके। आगे देख लीजिए, आगे है कक्षा तापर, ओके, मतलब रूम टेम्परेचर पर तापर मेथिनॉल डेस अवस्था में होता है, तो गैस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके, सॉरी द्रव हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका द्रव, ओके। जो मेथिनॉल है वो द्रव होता है, ओके, और मीथेन होता है वो आपकी गैस में होती है, ओके, तो आपका समय आपका हो जाएगा द्रव। नेक्स्ट है जैसे जैसे अभिक्रियाओं की सांद्रता घटती है अभिक्रिया का भी क्या है कम है होता है, ओके, अभी कम होता है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तन्यता बढ़ाने पर डेस चालकता घटती है, तो विशेष चालकता घटती है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सकता है डेस कहलाता है, तो सांद्र विलयन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे हम देख लेते हैं आप सही जोड़िए, ओके। तो पहला इसमें ग्लूकोज, ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके आंसर आपके यहाँ लिखे हुए, ओके, इसके बगल में ग्लूकोज का आंसर हो जाएगा जी नंबर का, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओके। नेक्स्ट है फैक्टोज का, तो फैक्टेज का आपका ई नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका CA पॉजिटिव का हो जाएगा आपका 6, ओके। नेक्स्ट है एल्कोहल का ऑक्सीकरण कहलाता है आपका एल्डिहाइड, संक्षारण मतलब जंगल लगना, ओके। फिर आपका क्या है PDBaSO4 के साथ अपचयन, ये आपका है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ये वाला, ओके, माइनस वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा ये आपका दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉजिटिव वाला, ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मलता को व्यक्त करने का सूत्र लिखिए, नॉर्मलता का सूत्र आपको तैयार करना है, नॉर्मलता फॉर्मलता अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो ये आपका नॉर्मलता का सूत्र आपका ये दिया हुआ है, जिसमें आपको बताना भी कि n बराबर नॉर्मलता है, b बराबर आपका क्या दिया है आपका बिलियन का आयतन लीटर में, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एल्कल हैलाइड ध्रुवीय होने के बाद भी जल में आविलय है, क्यों कारण लिखे, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल तथा एल्कल हैलाइड में नहीं बने आबंध बल पूर्व से उपस्थित बलों का से क्या दुर्बल होता है, ओके। नेक्स्ट है प्राणी शरीर में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट का नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ओके। नेक्स्ट है आपका निकाय Mg2+Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभाव ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा -2.370, ओके। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपको क्या है ये आपके दिए हुए हैं, इनको आप इन यौगिक को अम्लीय प्रवर्तक के क्रम में जमाना, ओके, तीन है, तो सबसे पहले आपका ये आएगा, दूसरे नंबर में आपका ये आएगा, इस प्रकार से आपको लिखना है पेपर में, ओके। पहले आपको ये लिख देना है, उसके बाद ये, और उसके बाद आपका ये, ओके, तीनों क्रम में आपको लिखना, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ओके, कंप्लीट हो जाता है। आप दोस्तों हम देख लेते हैं सत्ता सत, ओके। पहला क्वेश्चन है ऑक्सलेटो द्विदंतुर ऋण आवेश संगलन है, तो ये आपका सत हो जाएगा। लूनर कास्ते का आपका ये है सूत्र है, तो कहते हैं तो ये इसका सही है, ये सत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है, तो ये आपका सत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करते हैं, तो ये आपका सत हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्नर ने 1998 में रूप से संयोजी यौगिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो सत हो जाएगा। नेक्स्ट है ए जी आबंधन सूत्र, ओके, सत्य हो जाएगा ये वाला आपका, यहाँ एक सूत्र दिया हुआ था,
ओके, तो मुझे उसमें समझ में नहीं आ रहा था यहाँ आपका सत्य हो जाएगा। ओके, कंप्लीट वाला इस प्रकार से मैंने आपको कहा है, वस्तु प्रश्न बता दिए हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अभी तक आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं आप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है हैंडी का नियम, लिखिए ओके, ये आपका दिया हुआ हैंडी का नियम, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, अच्छे से रट लीजिएगा, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, दो नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है राउल्ट का नियम, लिखिए राउल्ट का नियम आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ये आपका राउल्ट का नियम हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है लॉन्ग में, लॉन्ग में मतलब आपका तीन से चार नंबर यहाँ से पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का अपेक्षित वास्तुदाव अवलंबन विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसलिए सॉरी इसका गया फर्स्ट ही आप ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया आपने तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग में आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है फेराडे का विद्युत अपघटन का आपका द्वितीय नियम, तैयार कर लीजिए, प्रथम भी कर लीजिएगा, द्वितीय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम, प्रथम द्वितीय दोनों तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए सॉरी इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ जाता है, इसके आगे अभी और दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कोलास का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ है कोलास का नियम और अनुप्रयोग, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैंने तो आपको कोलास का नियम अच्छे से तैयार कर लेना है। पहले जब मैं आपको गया दो अंक की, तीन अंक की, चार अंक की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो बनाई है, उनमें मैं आपको ये सब क्वेश्चन बता चुका हूँ। अभी वो आपने पहले तैयार कर लिए होंगे, अभी तक नहीं किए तो जरूर तैयार कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक भी आपको नहीं छोड़ना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है आर्गेनियस समीकरण का समाकलित। ओके, तो आपका क्या क्वेश्चन है आर्गेनियस समीकरण को आपको तैयार करना है, तो ये आपका दिया है आर्गेनियस समीकरण। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है दो नंबर के लिए छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, तो ये आपके दिए है छद्म एकाणुक अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है दो नंबर के लिए, ये सब आपको तैयार कर लेना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तीन से चार नंबर में आपको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या है अणु संकेत आणविकता या फिर उसके ओके अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर तैयार करना है, ये बारे में आपका आणविकता लिख के आ सकता है या अणु संख्या को कंफ्यूज नहीं होना है, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर आपका ये दिया हुआ है। ओके, चारों के चार आपको तैयार करना है। ओके, जैसे आपका चार नंबर का आ गया तो आप क्या चार पॉइंट अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है लेंथी नाई संयोजन क्या है, लेंथी संयोजन के प्रभाव और कारण, कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कारण आपसे तैयार करना है, यहाँ तो आपके प्रभाव दिए हुए हैं। ओके, ये आपके कारण दिए हुए हैं, कारण आपको क्या है चार पांच आपको कारण तैयार कर लेना है, लेंथी नाई संयोजन क्या है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके प्रभाव अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके साथ ही आपको तैयार करना है अंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ओके अंतर संक्रमण के तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है क्लेट किसे कहते हैं, उदाहरण महत्व लिखिए। ओके, तो ये आपको दिया है क्लेट किसे कहते हैं उदाहरण महत्व, इसलिए थोड़ा फास्ट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है निम्नलिखित का यूपीएससी इमाम लिखिए। ओके, ये सब आपको दिए हैं कि प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, ये आपको दिए हुए हैं तैयार अच्छे से कर लीजिए, जैसे आपका ये तैयार कर लीजिएगा, ये तीन है आपके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपके दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अक्सर आता है दो नंबर में, दो आपसे दे दिए जाएंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको लॉन्ग के लिए तैयार करना है, मतलब चार नंबर के लिए SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, तो इसका स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ये। ओके, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट लीजिए SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रीमन टीमन अभिक्रिया कॉलवे अभिक्रिया में अंतर आपका। ओके, मतलब आपको क्या है परिभाषा और मतलब आपको इनका समीकरण याद करना। ओके, समीकरण अच्छे से फोकस करिएगा, समीकरण लिख दे तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। ओके, तो अच्छे से आप तैयार कर लिया रीमन टीमन अभिक्रिया और कॉलवे अभिक्रिया, ये आपका दिया हुआ है। ओके, रीमन टीमन हो जाती है, फिर आपके यहाँ कॉलवे दिए हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे आपकी ये दी हुई है, समीकरण मैन फोकस करिएगा और अच्छे से एक एक शब्द इसको आपको तैयार कर लेना है। ओके, कंप्लीट हुआ जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आप ये तैयार कर लीजिएगा, इसमें क्रम से जमाना है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा है, आपको एक विकल्प में बताया था। ओके, एक वाक्य में आपको जिसमें लिखना है वो आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है स्टीफेन अभिक्रिया क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्टीफेन अभिक्रिया, 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये आपका दिया है स्टीफेन अभिक्रिया। ओके, कोई भी अभिक्रिया याद करें उसमें आपको क्या है मेन नंबर मिलते हैं वो समीकरण के आपको मिलते हैं। ओके, तो समीकरण में फोकस करिएगा। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है गाटर मान कोच अभिक्रिया। ओके, इसे देख लेते, ये आपका दिया हुआ गाटर मान कोच अभिक्रिया, समीकरण इसमें भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए गाटर मान कोच अभिक्रिया। ओके, कंप्लीट हुआ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको दो नंबर के लिए तैयार करना है रेसेदार तथा गोलिकाधार प्रोटीन में अंतर। ओके, रेसेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर आपको बताना है, दो पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, दो नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहने वाला। ओके, स्क्रीनशॉट इसका गया फास्ट ही ले लीजिए, कंप्लीट हुआ जाता है, आगे देख लेते हैं।
ओके नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका डीएनए और आरएनए में अंतर, पहले मैं सब आपको बता चुका हूँ, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन बताया अभी तक नहीं तैयार किए कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िए। ओके ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री के हाफ ईयरली के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। ओके जितने वस्तुनिष्ठ आपको ऑब्जेक्टिव बताया है वो तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। ओके तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा, कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।